मेडिकल नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर मोर्चा खोला और मांग पूरी नहीं होने पर शासन प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। हम आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के बाद वर्ष 2019-20 के छात्रों की अभी तक परीक्षा नहीं हुई। वहीं छात्रवृत्ति में कटौती के साथ आवास योजना का पैसा भी नहीं मिल रहा। ऐसे में समय निकलते देख छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 2019-20 में जिन्होंने जेएनएम में एडमिशन लिया था उनकी आज दिनांक तक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था उनका आज दिनांक तक परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा नहीं होने के कारण उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसमें इनका भविष्य भी अंधकार में बुरा है। तो हमारे दूसरी मांग ये थी कि जल्द से जल्द इनकी परीक्षा ली जाए और जो भी प्रक्रिया उसको पूर्ण की जाए। बैच के हैं 17 2019 के, अभी तक हमारी एग्ज़ाम नहीं हुए। बीएससी फर्स्ट ईयर में हमें 2.5 साल होने में आ गए। या तो हमें हमारी एग्ज़ाम हो या फिर हमें प्रमोट किया जाए, ऐसा नहीं चलेगा सर। सभी बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, कोई सवाल नहीं उठाता है इस बात पर। सर हम ही बोल रहे हैं कि हमको एग्ज़ाम ले हमारी या फिर हमें प्रमोट किया जाए। 17-19 से ही हम 19 से एडमिशन लिया है, आज 21 और 21 भी लास्ट एंडिंग तक चल रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और अब 22 आने वाला है। छात्रवृत्ति को लेकर भी कुछ ज्ञापन दिया आपने? जेएनएम की छात्रवृत्ति को लेकर भी आवास में भी गड़बड़ी हुई है सर। छात्रवृत्ति भी आधी आई है और आधी स्कॉलर नहीं आई है। क्या नाम है आपका? प्रिया वर्मा सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।